गुरुवार को तेल के भाव अधिक लेने की शिकायत मिलने पर खाद निरीक्षक नागेश दायमा अमले के साथ पाल्या रोड स्थित बिंदु जैन की दुकान को सील करने पहुंचे। यहां नर्मदा व्यापारी संघ संरक्षक दिनेश अग्रवाल और व्यापारी द्वारा विरोध करने पर उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। व्यापारी ने अपने कागज भी दिखाए, जिसे तेल कंपनी द्वारा जिस कीमत पर दिया गया उसी कीमत पर होलसेल में देने की बात सामने आई। व्यापारी बिंदु जैन और अग्रवाल का कहना था कि कंपनी से उन्हें जिस कीमत पर तेल मिल रहा है और जीएसटी लग रही है, उस पर 2 एवं 5 रुपए का मुनाफा लेकर ही होलसेल में बेच रहे हैं। क्या बोल रहा है? अरे पिता का नाम क्या? मार्केट भाव से जो भी निर्धारित भाव है उसकी शिकायत मिली है। इतनी शिकायत कोई लिखित में या कुछ ऐसा है साहब के पास? एसडीएम साहब के पास भाव तो नहीं ना ज्यादा भाव पे लेंगे, मार्केट से माल नहीं बेचेंगे तो घाई तो ना बचेगी। हमको जो शिकायत मिली साहब, हां ठीक है, बात करते हैं। टेस्ट करो इसकी रिपोर्ट, कोई कुछ भी बोल दे। डायरेक्ट बात हुई है और माध्यम से भी हुई है, कोई ब्लैक में नहीं, हम नगर में नहीं करेंगे। व्यापारियों के और जनता की सेवा और जनहित के अंदर हम काम कर रहे हैं और बगैर में नहीं पहचान। हाँ हम ब्लैक में नहीं रोक रहे, हम ब्लैक में नहीं कर नहीं रहे। विधायक जी से बात करो, सील नहीं करने देंगे भैया। कौन है? बात करो ना, सील नहीं करने देंगे। मैं बोल रहा हूँ, बात करो ना, बात करो ना, सील नहीं करने देंगे। बात करो ना, देंगे सील होगा विधायक होगा जो भी। अरे ऐसा नहीं बोला, प्रशासन को कितने का बेच रहे हो? गाँव से बेच रहे हैं, 90 रुपए 95 रुपए तेल बेच रहे हैं, इसे कैसे सील कर दोगे? या बात करो अधिकारी को, बुलाओ फंड पर अधिकारी को। एक तो आई तो वह मची हुई, माल नहीं मिल रहा और माल दे रहे हैं बाजार के अंदर, उसके बाद में कर रहे हो। अरे बात करने नहीं जा रहा है, ये बात करो लो भैया, लो बात करो, लो विधायक साहब से लो बात करो। ये कोई भी नहीं होगा, बुलाओ यहाँ पर, नाम लिया विधायक साहब को, बुला लो नाम नाम इधर आप आ जाओ, थोड़ा दुकान पे 5-7 गाड़ी खड़ी कर लेकर गला काट रहे किसी का। अबे आराम से आऊँ क्या घर पे? बुला के ला, बिंदु बिठा के ला गाड़ी। कोई बात ही नहीं करना चाहते आपसे? आपको बिठा के ला, बिठा के ला। तहसीलदार की गाड़ी? कौन तहसीलदार? तुम के को बिठा के ला गाड़ी, तहसीलदार गाड़ी गला थोड़ी काट लो। ये धंधा बंद कर देते और क्या सल्फास का खोदा आपने? ये क्या मालूम बड़ा, तुम ब्लैक मिलेंगे से काट निकाल के बताओ ना कितनी सी ला बात कर लो। अरे नहीं बेचो नहीं, अपन 95 रुपए क्यों बेचो? 8 बजे से 1 बजे तक बेचो, क्यों नहीं बेचेंगे? बाजार रेट से बेचो, 95 रुपए में तेल क्यों नहीं बेचेंगे? कैसे सील कर देंगे? रेट करो जो बोल रहे हैं, अनसेंट रेट रहेगा। कोई आपको शिकायत कर रहा है ना, उसकी सीढ़ी बना के पेश करो। प्रशासन का भी थोड़ा ध्यान रखे, किसी से बोलने से नहीं होता। मैं बोल दूँगा 200 रुपए में तेल बिक रहा है, बिक रहा है क्या? 12:30 बजे सारा साधन यहाँ बुला लो, आधा घंटे और पहले। शासन शासन का सेवा करना, 12:30 बजे यहाँ बुला लो, बस काम लगती। हम
सील तो नहीं होएगा सर, सील तो ही नहीं। आप पेश करवाओ, आप चीटिंग रेस से सील कैसे कर दोगे? आप क्या प्रूफ आपके पास के सील के अंदर के? आप ये बताइए, आप भी अधिकारी है, आपके पास कोई प्रूफ है ऐसा? कोई किसी है, कोई सीडी है या कोई कोई है आपके पास कि अनरेड में ले रहा है? कोई भी बोलते चलता है, जो कर रहे हैं ब्लैक में नहीं, उसके कुछ भी नहीं। तो जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप उसको बोल रहे हो 1250 का होता है 1500 रुपये में बिक रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहा। अब ईमानदारी से आप पर्चे देखो नहीं आप। और अभी नागदा के अंदर खुले तेल की पूर्ति यही लोग कर पा रहा है, बंद कर देंगे तो कर देंगे प्रशासन का नहीं आई तो मैं मत जाएगी। कोई तेल बेचने को तैयार नहीं। हाँ ले लो ना स्टेटमेंट ले लो, देखो इंदिरा पर देखो 90 रुपए में मेरे लिए क्या ना। आप इंदिरा मैं मालिक हूँ, वर्तमान संरक्षक, ये हमारा अध्यक्ष है। कोई बोल रहा है मेरे को 200 रुपए 100 रुपए तेल दे रहा, 50-70 रुपए दे रहा, 90 दे रहा, 110 दे रहा, 90 रुपए के लिए तेल दे रहे, 80 किलो 100 किलो तेल दे रहे, एक एक जने बात करो ना। करो नहीं क्या होगा, 10 रुपए करनी पड़ेगी, काम होगा दलित के लिए, तो बात तो करनी पड़ेगी। नहीं तो दूरी बनाए रहे दूसरे जारी 10 रुपए किलो का मार्जिन लेके धंधा कर लो, 100 रुपए में कोई चीज आ रही है 110 रुपए में बेच लो, 130 में बेचो, अपने को नहीं कमाना ठीक है। अपन मान रहे खर्चे, कोई एकोरेट कोई व्यापारी है, कोई एकोरेट कोई कस्टमर है कि आप उसके बयान लेके हमारे यहाँ पर ताला लगवा रहे हो? अभी मैं आपके खिलाफ बोलता हूँ तो क्या आपकी कार्रवाई हो जाएगी? कोई कुश्ती होगा उसका? कहाँ है बटवारी जी, क्या हुआ, साहब आ रहे क्या? आप बात करो उधार नहीं दिया तो अरे एक मिनट, किसी को उधार नहीं दो 21 दिन जेल ही नहीं मंगूंगा जो पूर्ति करना रात दिन मेहनत तेरे भाव सूची मैं शाम को बात करके साहब से क्या रेट की लगानी है, मैं बात करी कल यहाँ सूची लगा देंगे। और एक व्यापारी को 70 से 90 किलो या जो भी हमारी माल होता है उस सबसे हम माल की सप्लाई करेंगे ठीक है। फैक्ट्री वाले को बोलो ना भाव सूची, मेरी बात सुना, फैक्ट्री वाले आन पे बेचो उनसे कहो ना भाव सूची लगा, मेरे को कितना मेरे को जिस भाव माल मिलेगा उस भाव बेचूंगा, फिर आप अपना प्रशासन बिकवाएगा कहेगा प्रशासन। से निवेदन है और सभी व्यापारियों से भी निवेदन है कि हम लोग कोई भी ब्लैक में नहीं कर रहे हैं, जो माल आता है माल हमारे पास व्यापारियों के पास आता है, व्यापारी 1-2 रुपए किलो अपना मार्जिन लेके व्यापार कर रहा है, जो गलत अफवाह इस तरह की कोई भी कस्टमर कोई फैला रहा है उनसे प्रशासन से मेरा निवेदन है कि उनसे पर्सनल उनका स्टेटमेंट लेके उनका सीडी बनवा के पेश करें। और ऐसे आज व्यापारियों के पास में अगर 95 रुपए में तेल आ रहा है तो वो 100-98 रुपए में बेच रहा है, कोई भी व्यापारी ऐसी कोई ब्लैक मनी का काम नागदा में नहीं हो रहा है। कोरोना से हमको किसी को डरना नहीं है, कोरोना को भगाना है और शहर के अंदर काम करना और सभी नगर के व्यापारी जितने भी ग्राहक है उनको सबको सामान मिले। और व्यापारी ग्राहकों से भी मेरा निवेदन है कि हाई तो पर नहीं मचाए, पर्याप्त मात्रा में नागदा में खाद्य सामग्री उपलब्ध है, 6 महीने का भी सामान नागदा में सब व्यापारियों के पास में माल है, सबको माल मिलेगा, कोई 1 महीने से उनका अपने घर पर ज़्यादा स्टॉक नहीं करे, ऐसी कोई अपराध तपरी नहीं है, किसी भी अपो को ध्यान में ले रखे। और आज हम सब व्यापारियों के यहाँ पर हमारी जो डेली की रेट लिस्ट है जैसे चावल है, तेल है,
आपका इसके बाद में आटा है, इसके रेट निर्धारित करके दुकान के आगे एक स्लिप चिपका देंगे, कोई भी व्यापारी स्वीकृति रेट से माल बेचेगा, किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी नहीं करा। और मेरा शासन से और केंद्र सरकार राज्य सरकार से भी है कि जो कोरोना के कारण से जो महामारी है उसको देखते हुए जीएसटी और इनकम टैक्स में व्यापारियों को छूट दिया जाए, जैसे जीएसटी 5% तेल पर 5% है, 12% है, 18% है, बिस्कुट वगैरह कुछ खाद्य संग इन पर अभी जीएसटी में छूट दिया जाए। छूट देने पर जो काला बाजारी है, जो रेट अनसन होने जा रहे हैं, वो रेट थोड़े कम हो जाएंगे और व्यापारी माल व्यापारी के पास में पहुंचेगा, कम रेट में माल देंगे। और इसके अलावा अभी माननीय हमारे मंत्री जी ने जो अंतर जो टोल नाका के करा है, टोल नाका जो हाईवे, उनका मैं माननीय मंत्री जी गिरवरी जी से बहुत बहुत व्यापारी संघ से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत देश हित के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। और इसी तरह हम माननीय वित्त मंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि कुछ समय के लिए जीएसटी के अंदर व्यापारियों को छूट दी जाए। धन्यवाद।